हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल कैसे तैयार करना है यूजिंग आवर मेन इंग्रेडिएंट मिंट। वैसे तो मिंट या फिर जिसे हम हिंदी में पुदीना कहते हैं, ये काफी सारी कुलिनरी रेसिपीज में यूज किया जाता है और मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स में भी काम आता है। बट वी विल नॉट गेट इन टू दोज डिटेल्स। सिंस ये वीडियो है हेयर ग्रोथ पे, तो विल डिस्कस हाउ मिंट इज हेल्पफुल इन योर हेयर ग्रोथ। हमें ऐसे कब कब लगता है कि हमारे बालों में वॉल्यूम कम होता जा रहा है या फिर हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं? पहला, जब हमारे बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा, जब हमारी हेयर फॉलिकल्स जो पोर्स होते हैं, जैसे कि हमारे फेस में पोर्स होते हैं वैसे ही स्कैल्प में जो पोर्स होते हैं उसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, वहां से जब नए बेबी हेयर नहीं आते हैं तब ऐसा लगता है कि हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है। और इन दोनों ही रीजंस, हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ नए जो नहीं आते हैं, दोनों ही रीजन के वजह से आपकी जो हेयर की वॉल्यूम है वो कम होती जाती है। और रीजन मोस्टली एक ही होता है। पहला जो एक रीजन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, वो है आपका जो हेयर फॉलिकल है वो क्लॉग्ड होता जा रहा है। क्लॉग्ड होने की वजह से जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट जो हेयर है सर पे, उसे पोषण नहीं मिल रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है और इसीलिए अल्टीमेटली वो टूट जाते हैं। पहला। दूसरा, क्योंकि उसे पोषण नहीं मिल रहा है, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए जो आपकी फॉलिकल्स हैं क्लॉग्ड हो गई है, तो नए हेयर ग्रोथ होने की चांस कहाँ है? तो इसलिए नए जो बेबी हेयर होते भी हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो इन रीजन की वजह से जो आपकी हेयर वॉल्यूम है वो कम होती जाती है। और आज इस हेयर ग्रोथ ऑयल से ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। पहला, जो आपका हेयर लॉस है वो उससे प्रिवेंट होगा। दूसरा, इसके रेगुलर यूज से आपके हेयर फॉलिकल्स जो क्लॉग्ड हैं वो क्लॉग चला जाएगा, वहां से बेबी हेयर्स आना शुरू होंगे। क्योंकि जो मिंट हम इसमें यूज करते हैं उसका काम ही है, जब व्हेन यू अप्लाई दिस पोर्शन ऑन योर स्कैल्प, ये ब्लड सर्कुलेशन को स्कैल्प में अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, तो वहां से नए हेयर प्रोड्यूस होते हैं। पहला। दूसरा, इसका काम है जो आपकी स्कैल्प है उसको बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। आपके अगर स्कैल्प ऑयली है, एक्सेसिव डर्ट, या फिर आपके हेयर में जो स्कैल्प में जो डैंड्रफ है वो उसे बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है आपको मिलेगा क्लीन स्कैल्प विथ हेयर वॉल्यूम। तो देर किस बात की, लेट्स चेक आउट दिस हेयर ऑयल रेसिपी। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए 1 से 2 मुट्ठी भर पुदीना के पत्ते लें, फिर मोटर और मुसल की मदद से इसे दरदरा कूट लें। फिर एक कंटेनर लें या फिर वो बॉटल लें जिसमें आपको ये ऑयल प्रिपेयर करना है। उसमें आपने दरदरा कूटा हुआ जो मिंट लीव्स है उसमें फिल कर दें। इसके बाद हम इसमें लगभग 1/2 कप कोकोनट ऑयल लेंगे। इसमें मौजूद विटामिंस और फैटी एसिड्स आपके हेयर स्कैल्प को नरिश करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम इसमें मिलाएंगे लगभग 1/4 कप ऑलिव ऑयल। ये हेयर को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ हेयर लॉस प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। कैस्टर ऑयल स्कैल्प में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, तो इसका भी हमें 2 बड़े चम्मच लेना है। और आखिरी में हम इसमें मिलाएंगे लगभग 2 विटामिन E कैप्सूल्स। ये आपको हेल्प करेगा कैपिलरी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में और साथ ही हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इस हेयर ऑयल को बनाने का तरीका काफ़ी आसान है। 2 मेथड से आप बना सकते हैं। इन्फ्यूजन मेथड से अगर आप बनाना चाहते हैं तो लगभग आपको 2 वीक्स लगेंगे। करना क्या है आपको, जिस बॉटल में आपने स्टोर किया हुआ है अपना मिंट लीव्स और ऑयल सारा मिक्स किया है, बस इसे एक कोई भी डार्क शेडेड प्लेस में आप रखें 2 वीक्स तक, ये आपका ऑयल बन के रेडी हो जाएगा। फिर आप इसे स्ट्रेन कर लेंगे दूसरे बॉटल में। दूसरा जो है, आपको इसे थोड़ा सा जल्दी बनाना है, 2 वीक्स तक आप इंतजार नहीं कर सकते हैं। वैसे इन्फ्यूजन मेथड सबसे बेस्ट है, मैं बता दूं आपको, लेकिन स्टिल अगर आप इसे थोड़ा सा जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 दिनों तक आपकी जो बॉटल है आप इसे सनलाइट में रखें, 2 दिन में ये बनके रेडी हो जाएगा।
तो वैसे ही जैसे 2 दिन में ये बन के रेडी होगा, आप फिर इसे स्ट्रेन करके एक दूसरे बॉटल में रखेंगे। दूसरा स्टोर कैसे करना है, आप इसे नॉर्मली कोई भी रूम टेम्परेचर में ड्राई कूल वाली जगह पे रखें, और अगर आप रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो ये 1 महीने तक पूरा अच्छा चलता है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रखने से ये 2 से 3 महीनों तक अच्छा चलता है। जैसे ही आपका ये बैच खत्म हो जाए, यू कैन गो एंड प्रिपेयर योर फ्रेश बैच। अब इस हेयर ऑयल को यूज कैसे करना है, वीकली एक बार आप जरूर यूज करें। अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो आप वीकली वंस यूज करेंगे, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ आप यूज करेंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट नजर आना शुरू होगा। तो पहले क्या करना है, आपको हल्के हाथों से ऑयल लेना है, और मेन ये जो ऑयल है इसका काम मेन स्कैल्प में है, तो आप अपने स्कैल्प पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें। जब ऑयल लगाते हैं तो बस लगा के ना छोड़ें, उसे अच्छे तरीके से मसाज करें। यूं लगा के अच्छे तरीके से इसे सर्कुलर मोशन पे मसाज करेंगे, मिनिमम 5 to 10 मिनट्स तक मसाज करें, सो दैट अच्छे तरीके से आपके पूरे स्कैल्प जो है एब्जॉर्ब कर सके इस ऑयल को। और उसके बाद स्कैल्प में मसाज कर लेने के बाद फिर आप अपने लेंथ पोर्शन में लगाएं। और इस हेयर ऑयल को, मतलब जैसे शैम्पू करने से 1 घंटे पहले लगा के वॉश ऑफ करते हैं, वैसा बिल्कुल ना करें। इसे अच्छे तरीके से काम करने के लिए मिनिमम आपको 4 to 6 आवर्स अपने हेयर स्कैल्प पे रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर इसका अरोमा बर्दाश्त कर सकें, वैसे तो मुझे बहुत पसंद है इसका अरोमा, अगर आप इसे बर्दाश्त कर सकें तो आप इसे रात भर ऐसे ही स्कैल्प पे रहने दें, सुबह उठने के बाद आप इसे वॉश ऑफ कर ले अपने रेगुलर शैम्पू से। और हाँ, जैसे कि मैं अपने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में कहती हूँ कि कोई भी DIY जब आप करते हैं, नया इंग्रेडिएंट अगर अपने DIY में शामिल करते हैं, तो हमेशा एक पैच टेस्ट जरूर कर लें पूरे तरीके से अप्लाई करने से पहले। वैसे ही ये मिंट हेयर ऑयल, अगर आपने कभी मिंट नहीं यूज किया है अपने फूड में, या फिर ऐसे मेडिसिन ट्रीटमेंट कभी नहीं यूज किया है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये रेसिपी, थोड़ा सा आप ट्राई कर लें एक पोर्शन में। अगर आपको सब ठीक लगता है देन यू कैन अप्लाई ऑल ओवर योर स्कैल्प। सो डू अ पैच टेस्ट बिफोर अप्लाइंग। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये था हेयर ग्रोथ ऑयल यूजिंग मिंट लीव्स। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लाऊंगी हेयर मास्क हेयर ग्रोथ के लिए, स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, साथ ही अगर इस चैनल में आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल से बने रहने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग रेमेडी के साथ, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय।